अभी हम लोग आए हुए हैं ये लौरिया का अशोक स्तंभ के पास में। ये देखिए अशोक स्तंभ लौरिया का, जिसे बनवाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। और ये मेरे पिताजी हैं, मैं और मेरे पिताजी दोनों यहाँ पे आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे पिताजी इसके बारे में, इस अशोक स्तंभ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कुछ बोलेंगे? ना अब हम नहीं बोले, हमको भूल गए। अच्छा अच्छा ठीक है। कोई जगह हाला केवल लौरिया में नहीं, हाँ नदी के द्वारा ही आया है। अच्छा अच्छा, इस पर कोई सवारी नहीं थी। इसको इस इनके कहना है कि ये इस अशोक स्तंभ को नदी के माध्यम से इसको ढो करके यहाँ पर लाया गया और उसके बाद इस पिलर को लगाया गया यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही पुराना है और इसकी चमक अभी भी है। इसको अगर आप पास से देखना चाहते हैं, देखिए कितने सुंदर, इसके ऊपर जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। नीचे जो है बहुत सारे अंग्रेज अपना अपना नाम लिखे हुए हैं। लोग एक बंदे का नाम लिखा हुआ है इस पर जो 1792 में लिखा था, एक बंदे ने 1872 में लिखा है। इस पर बहुत सारे लोगों ने अपना अपना नाम लिखा है और इस पर फारसी लैंग्वेज भी लिखा हुआ है, फारसी भाषा में भी कुछ शब्द लिखे हुए हैं। ये देखिए कितना ऊपर है। अगर आपको कभी मौका मिले यहाँ पर घूमने का तो ज़रूर आइए और यहाँ विजिट कीजिए। बहुत ही शानदार जगह है घूमने के हिसाब से। और ये पास में ही रोड है, रोड के जस्ट बगल में ही है लौरिया और नरकटिया के मेन हाईवे नहीं तो नहीं बोलेंगे, ये मेन रोड है लौरिया और नरकटिया जी को जो रोड कनेक्ट करती है, उसी रोड पे ये लौरिया का अशोक स्तंभ है। देखिए इसको चारों तरफ से बाउंड्री किया हुआ है, देखिए चारों तरफ से बाउंड्री, बहुत ही शानदार बाउंड्री किया हुआ है। ये देखिए बाउंड्री किया हुआ है, शाम को लोग आते हैं यहाँ पर बैठ करके देखते हैं, यहाँ पर घूमते हैं और चले जाते हैं। देखिए